मैं बिहार का पहला व्यक्ति हूँ जो कोविड से बच गई है। मैं मार्च 20 तारीख को मेरा एम्स पटना में जांच हुआ था और रिजल्ट 22 को आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। और पॉजिटिव होने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे आइसोलेशन वार्ड में रखा था। 11 दिन के बाद मैं दो नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद उधर से डिस्चार्ज हुई हूँ। और मेरा बेटा इटली से आया था मार्च 5 को, उनका भी टेस्ट किया गया। मेरा पति और दोनों बेटे का किया, तब नेगेटिव आया है। और मेरे को अभी घर में 14 दिन का क्वारंटाइन के लिए बोला है, मैं घर के अंदर ही बैठूंगी। और समाज से मुझे ये बोलना है कि जो सूचनाएं हमारा सरकार ने हमको दिया है, पूर्ण रीति से उसको पालन कीजिएगा और जितना हो सके बाहर न निकले। और मैं सबसे बड़ा मेरा ये बोलना चाहता हूं कि खुदा पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही हमको चंगाई करता है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस वक्त आप इस बीमारी से जूझ रहे थे तो अपने आप को आपने भरोसा और संबल कैसे दिया, क्योंकि लोग इस बीमारी को सुनते ही बहुत डर जाते हैं। मेरे पास एक बाइबल ही था और कोई आदमी से मिलजुल नहीं सकते थे, क्योंकि नर्स लोग डॉक्टर लोग हमारे कमरे के बाहर से मुझसे बातचीत करती थी, तो मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन जो बाइबल मेरे हाथ में था वो मेरे सबसे बड़ा कम्फर्ट था। बाइबल पढ़कर मैं इतना कम्फर्ट पाया कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वैसा मुझे महसूस हुआ। आपने क्योंकि बाइबल का जिक्र किया और मैं इससे पहले भी यही सवाल पूछ चुकी हूँ अनीता जी, बाइबल से आपको ऊर्जा मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी, वो ताकत मिली होगी भीतर से लड़ने की इस वायरस से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के आगे, पूरी दुनिया के आगे फिर वही बात कहें कि आपको ऊर्जा भले ही किसी धार्मिक किताब से मिलेगी, लेकिन इलाज साइंस से ही मिलेगा, डॉक्टर से ही मिलेगा। वो तो सही होगा, लेकिन जो चंगा करने वाला है वो यीशु मसीह है। मेरी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो वो वचन मुझे बहुत तसली दिया। बिकॉज आई कैन ओनली मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जब अकेलापन रहा महसूस हुआ था, मुझे कभी कभी आंसू भी आ रहा था, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में है। चाहे हम हमारे परिवार लोग से व्हाट्सएप में बात करते हैं, फिर भी हमको अकेलापन महसूस हुआ था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर भी हो हमारे से बाहर से 4 मीटर 5 मीटर दूरी से हमसे बात करती थी करते थे, तो हम बहुत दुख लगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, शायद इलाज तो होता है लेकिन चंगाई हमारा ऊपर वाला से ही होता है, वो मेरे यीशु मसीह मुझे छका दिया। मसीह का लहू है मेरी शिफा, मसीह का लहू है तेरी शिफा, धोता है वो हर मेरी।